हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्तिंकु। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएमस लाइफ साइंस को आपन मानको स्वागत करुछि। आजर क्लास रे हमें देखिबा एनिमल किंगडम विषय रे, जोथरे कि हमें डिस्कशन करिबा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल फीचर्स, जहाँ को कि बेस करिकि एनिमल्स मानको डिफरेंट कैटेगरीज रे क्लासिफाई करा जायछि। तो स्टार्ट करिबा हमर क्लासिफिकेशन रो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जदि आपण मैंने आर एच व्हिटेकर प्रीवियस वीडियोस जो मैंने देखी थे, आर एच व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थिला, जो थे कि 5th किंगडम रो ना थिला एनिमालिया। तो वर्तमान ये एनिमालिया भितरे को टाइप रो ऑर्गेनिजम्स मैंने आसीबे, जेतिक सब हमर पोरिफेरास मैंने अछंदी अप टू मामालिया, जेतिक सब हमर पोरिफेरास अछंदी दैट मींस जेतिक सब हमर स्पंज काइंड रो ऑर्गेनिजम्स मैंने अछंदी, सेमानक पाखरु स्टार्ट करिकि मामल्स पर्यंत ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स विल बी कमिंग अंडर द किंगडम एनिमालिया। वर्तमान ए ऑर्गेनिजम्स मानकु जते बले डिफरेंट कैटेगरीज रे डिवाइड करा गला कि मा क्लासिफाई करा गला, निहाति भाबरे किछटा बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थिबो जाकु बेस करिकि ऑर्गेनिजम्स मानकु क्लासिफाई करा जाय छी। आमे टैक्सोनॉमी रे पढ़ी छी कि रैंडमली तो आमे ऑर्गेनिजम्स मानकु डिफरेंट कैटेगरीज रे पुट अप कर दी परिबा नाही। ऑर्गेनिजम्स माने जते बले किछ नुवा ऑर्गेनिजम जते बले मिले से मानकु प्रथमे स्टडी करा जाय, से मानकर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को स्टडी करा जाय, तापर जाइ से मानको डिफरेंट ग्रुप रे कैटेगराइज करा जाए। करेक्ट। तो जदि आमे हमर सराउंडिंग देखिबा, लाइक जेंति कि एठी गोटे किछ डायग्राम्स मु रखी छी, सो हियर इज द डायग्राम ऑफ ए स्नेल, ओके, हियर इज द डायग्राम ऑफ ए साइकॉन, एंड नाउ दिस वन इज द स्टार फिश, एंड देन द फोर्थ वन इज गोटे प्रकार क्राब रो डायग्राम एठी करा जाय छी। तो सराउंडिंग रे जेते प्रकार रे अपन एठी ऑर्गेनिजम्स देखु छेंती, नाउ एवरीबॉडी शोज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, समस्तिंग को पाखरे किछ डिफरेंट टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक्स रही छी, समस्तिंग को मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट टाइप रो रहिबो, सो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर देयर। तो जेते बले एते सारा लाइफ फॉर्म्स अछि ताको हमको क्लासिफाई मध्य करबाकु अछि, देन हमको निहाति भाबरे एमती किछि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को नेबाकु पड़िबो, जहाँ को डिपेंड करके हमें ऑर्गेनिजम्स मान को डिवाइड कर देबा। अदरवाइज यदि हमें सब कैरेक्टरिस्टिक्स को जदि इंपोर्टेंट नेबा, ताहाले क्लासिफिकेशन रो जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव अछि ताको फुलफिल करबा पई डिफिकल्ट हे जइबो। सो किछटा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि सब ऑर्गेनिज्म मान को केस रे देखा जाए, या फिर किछि ऑर्गेनिज्म जो मान को केस रे बिल्कुल भी देखा जाए नाही, सेही कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके जेम साधारणतः क्लासिफिकेशन करा जाए। तो हमें स्टार्ट करबा हमर किछटा बेसिक फंडामेंटल्स रो कौन कौन रही जमीक देखो सेल रो को टाइप रो अरेंजमेंट रही गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस, जमीक लोयर ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे सेलुलर अरेंजमेंट टिके लूज थाए, लाइक जमीक पोरीफेरा मानक केस रे जदि आमे देखिबा सेलुलर अरेंजमेंट टिके प्रकार रो लूज अरेंजमेंट आपको देखा मिली। बट सेम केस एनिलिडा मानक केस देखा आमको डिफरेंट टाइप रो टिश्यू सिस्टम मिली, सॉरी डिफरेंट टाइप रो ऑर्गन सिस्टम मिली। तो पोरीफेरा मानक पाखे सेल रो अरेंजमेंट निहाती भाव में भेरी कर व्वेन इट कम्स टू द सेलुलर अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ एनिलिडास। सो दिस इज वन ऑफ द लाइक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अरेंजमेंट को टाइप रही सेल मानक इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देन नेक्स्ट आसला हमर बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जदि आमे देखिबा किछि ऑर्गेनिजम्स एंती थांती जहाकु आमे जदि दीटा इक्वल हाफ रे डिवाइड करूचे, ताले लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी विल बी ऑपोजिट टू द राइट हाफ ऑफ द बॉडी, एंड केवल गोटे ही प्लेन एठी पॉसिबल हे परिबो, दैट मींस केवल गोटे सेक्शन ही आपण एठी नै जाइ परिबे। बट आउ किछि ऑर्गेनिजम अछंती आपण ताकु जे कोनसी एंगल रे भी काटंतु आपणकु सिमिलर टाइप रो स्ट्रक्चर्स ही मिलिबो, जेमति कि जो मानकर सर्कुलर बॉडी थाए किबा रेडियल सिमेट्री जो माने शो करंती, सेमानकु आपण जे कोनसी प्लेन रो मध्ये कट कर दे परिबे, आमे डिटेल डिस्कशन करिबा। देन नेक्स्ट आसी जाउची नेचर ऑफ सिलम। सिलम कहिले आमे साधारणत कोन बुझिथौ, सिलम कहिले आमे साधारणत बॉडी रो कैविटी के बुझिथौ, बट बॉडी कैविटी सब बॉडी कैविटी को आमे सिलम नहीं पारानी, देर आर सर्टन टर्म्स आर दिया कि कौ प्रकार कैविटी को आम सिलम बोली कहवा, आम आगे डिस्कशन करवा। तो सिलम किसी ऑर्गेनिज्म मानक केस अवेलेबल थाए, किसी ऑर्गेनिज्म मानक केस अवेलेबल न थाए। सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो पैटर्न रे मध्य वैरायटीज आमको देखा मिलिबो। तो या बेस करके आम स्टार्ट करवा आमर जी सब इम्पोर्टाट इम्पोर्टाट फीचर्स रही बेस करके क्लासिफिकेशन करा जाए विषय में। तो नंबर वन रे स्टार्ट करवा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन रे आम देखा कौन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रही, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रही, किंबा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रही, किंबा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रही।
କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେଲ୍ ହିଁ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଲାଇକ୍ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବେଶୀ କିଛି ମିଳିବନି, ଗୋଟେ ଲୁଜ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ତାର ବହୁତ କମନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଠିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ପୋରିଫେରା। ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ପୋରିଫେରା କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସାଇକନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସ୍ପଞ୍ଜିଲା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଓକେ, କିମ୍ବା ସ୍କାଇଫା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଦେ ସୋ ସେଲୁଲାର ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ସେମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଟିକିଏ ଯଦି ପୋରିଫେରାର ନେକ୍ସଟ ଫାଇଲମ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେମିତିକି ସିଲେଣ୍ଟେରିଟା, ସିଲେଣ୍ଟେରିଟା ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ, କିମ୍ବା ଆମର ନିଡୋ ନିଡାରିଆ ବୋଲି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେମ୍ ୱାର୍ଡ। ସିଲେଣ୍ଟେରିଟା ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଟିସୁ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ଟିସୁ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା, କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ସିମିଲାର, ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିସୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ପୋରିଫେରା ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିସୁ ମିଳିନଥିଲା, ବିକଜ୍ ସେଲ୍ସ ମାନେ ଏତେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନଥିଲେ, ଲୁଜ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେଣ୍ଡରେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ନାଉ ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦ ଟିସୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଏଇଠି ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଏଇଠି ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରେ ଆମେ ନେଇଯାଇପାରିବା ହାଇଡ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସିଲେଣ୍ଟେରେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ସିଲେଣ୍ଟେରେଟ୍ସ ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନେ ଆସିଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଗଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ପରସ୍ପର ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ କି ବଡିର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିଦେଇପାରିବା, ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ତ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଫ୍ଲାଟ୍ ୱର୍ମରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଟେନିଆ ସୋଲିୟମ୍ ଆସିଯିବ, କିମ୍ବା ଫାସିଓଲା ହେପାଟିକା ଆସିଯିବ। ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆର୍ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ଅର୍ଗାନ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ ତ ଅଛି, ବିକଜ୍ ଅଲରେଡି ଟିସୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ଫାଇଲମ୍ରେ, କରେକ୍ଟ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ହାଭ୍ ଦ ଅର୍ଗାନ୍ସ, ବଟ୍ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ ସରି ନଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିସୁଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ତ ଆମକୁ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନେ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ଉପର ଫାଇଲମ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନ୍ ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ରହିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆସେସରି ବାଲା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସପୋର୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ସପୋର୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଟୁଗେଦର ଦିସ୍ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝିବା, ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟମାକ୍ର ଚିତ୍ର କରୁଛି, ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟମାକ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଷ୍ଟମାକ୍ଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବି, କିମ୍ବା ଉପରପଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଇସୋଫାଗସ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଉଛି, ଦେନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାଉଥ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ନାଉ ଦିସ୍ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଅର୍ଗାନ୍ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟକୁ ବୁଝାଯିବ ଯିଏକି ମେଜରଲି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଆସେସରି ପାର୍ଟସ୍କୁ, ତାର ସପୋର୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିବା। ତ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅର୍ଗାନ୍ସ ତ ଥିଲା, ବଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା। ବଟ୍ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ପରେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ଲାଇକ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଆସ୍କ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍, କିମ୍ବା ଆମେ ନିମାଟ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଆନିଲିଡା କହିଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା କହିଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ମଲୁସ୍କା କହିଦେଇପାରିବା, ଏଇସବୁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖାଗଲା। ତ ସେଲୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବଡିର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆସିଗଲେ, ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅର୍ଗାନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ନାଓ ଟୁଗେଦର ଦେ ଆର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଅଲ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ସୋ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଡିର ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏ ଜାଗାରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଓକେ। ତ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କହିଦେଇପାରିବା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆମେ ଆଇଦର ଏଠି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବା।
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का माने कौन जिते बड़े आम पाखे गोटे ट्यूब रही बिकज डाइजेस्टिव सिस्टम साधारण गोटे ट्यूब को ही रिप्रेजेंट करे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो थे कि केवल गोटे सिंगल ओपनिंग रही देखिपे गोटे सिंगल ओपनिंग ही मुझे बनई एंड दैट सेम ओपनिंग इज आक्ट एज अ माउथ एंड एनस जिते सेम ओपनिंग रे इंजेक्शन चली थी ओके सहित इजेशन चली थी तो कौन कह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह कम्प्लीट कहले आम कौन बुझा जिते बड़े आम पाखे गोटे ट्यूब अच्छी जार दीटा ओपनिंग रही ना वन ओपनिंग इज बिहेव एज अ माउथ एंड सेकेंड ओपनिंग बिहेव एज अ एनस तो माउथ रे इंजेक्शन चलो जो थे कि खाद्य इनटेक हम एंड एनस रे इंजेक्शन चलो जो थे कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स बॉडी रु रिलीज आउट हो जाए सो दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन केस ऑफ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रो गोटे कॉमन एग्जांपल आम नहीं पारा प्लाटी हेलमिंथेस मान केस कौन प्रकार एनस वाला स्ट्रक्चर न था ओके एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम निमाट हेलमिंथेस टू आरंभ करके जितकी सब नेक्स्ट कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स माने अच्छा दे ऑल शोज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आई होप कि बुझी आसी देन आम नेक्स्ट देखा सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को आम दुटा पार्ट डिवाइड कर दे परबा नंबर वन इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऑलरेडी डायग्राम कर सारी एंड देन द सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहले कौन बुझा ये ब्लड स्ट्रक्चर करूर स्ट्रक्चर करतेसु कि सेल डायरेक्टली ब्लड कांटेक्ट रे आसुथिबे एंड यार ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कौन सी प्रकार स्पेसिफिक क्लोज सर्किट न था बॉडी भितर से प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम को आम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जमीक साधारणतः आर्थ्रोपोडा मान केस रे कौन प्रकार स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम न था कौन प्रकार स्पेसिफिक सर्किट न था जहाँ थ्रु रे ब्लड वेसल्स पास ऑन होते सो हार्ट पाखु जो ब्लड पंप आउट हो बाहर को आसे इट डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विथ सेल्स और द टिश्यूज किंतु क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहले कौन आम बुझा देर इज अ सर्किट फॉर फ्लो ऑफ ब्लड तो या भीतर आपन को कौन कौन मिल जीवो कैपिलरीज मिल जीवो ओके कैपिलरीज मिल जीवो ब्लड वेसल्स मिल जीवो जहाँ थ्रू रे ब्लड फ्लो हम जमीक ये डायग्राम कर दीजिए देखते ये ब्लड डायग्राम अच्छी एंड दिस होल थिंग इज एनक्लोज्ड बाय सर्किट या को आम कैपिलरीज एग्जांपल दे पारिबा ओके कैपिलरीज भितरे ब्लड टा फ्लो हो ना दे आर नॉट कमिंग इन क्लोज कांटेक्ट विद द सेल और टिश्यू ओके तो दिस थिंग इज एक्चुअली नोन एज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो थी कि ब्लड गोटे पर्टिकुलर सर्किट भितर फ्लो हम एम मन इच्छा जो प्रकार सेल कि टिश्यू सागर जी डायरेक्टली कंटाक्ट रे आसीबो नाही तो आर्थ्रोपोडा पर जितकी सब ऑर्गेनिजम्स मैंने अच्छा जमीती मलुस्का हो गला ओके किंबा जितकी सब वर्टिब्रेट्स मैंने आसी जाऊँगी सो ऑल दिस ऑर्गेनिज्म दे हैव अ स्पेसिफिक सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड वेसल्स then we'll go for the next one that is known as the symmetry ame bilateral symmetry kahi dei pariba kimba ame radial symmetry madhya kahi dei pariba bilateral symmetry mane kon jete bele gote organism ku apana anterior part ru posterior part paryanta gote single plane re cut karuchanti and left half of the body is exactly opposite to the right half of the body to ei jagare ame taku kon kahiba bilateral symmetry even human body is also bilaterally symmetrical human body madhya jodi ame cut karuche top ru bottom ya fir anterior ru posterior position paryanta tale gote side re amaro gote hatha gote गोड़ एंड अनदर साइड रे मध्ये सेम गोटे हाथ गोटे गोड़ रही आखि नाक कान पाटी ए सब जिनसर डिविजन हो जीवो एंड देन नेक्स्ट जदि आमे देखिबा रेडियल सिमेट्री रे एठी हमर कोन आसी जीवो जेतिक सब ऑर्गेनिज्म अछंती जहा को आपण जे कोनोसी प्लेन रु भी कट करंतु आपण को इक्वल हाफ ही मिलिबो जेमती मोठी तीनटा प्लेन बने जी सो 1 एंड 1 प्राइम सिंगल प्लेन 2 एंड 2 प्राइम सेकेंड प्लेन 3 एंड 3 प्राइम थर्ड प्लेन आपन जे कोनसी प्लेन रे भी काटंतु आपनकु सेम टाइप रो ही प्रोडक्ट मिलिबो ताकु आमे कोन कहिबा रेडियल सिमेट्री बेली कहिबा ना सो हियर इन दिस केस मल्टीपल प्लेन्स आर मतलब पॉसिबल
बट बाइलेटरल सिमेट्रिकल रे ओनली सिंगल प्लेन इज पॉसिबल. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस टू देयर आर अनदर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर जो मन को हमें कौन कही था असिमेट्रिकल बॉडीज बोली कहा जाए. असिमेट्रिकल बॉडीज माने कौन जो मानकर कोनोसी प्रकार रो सिमेट्री नथाय जेंती गच्छ जेमिती मूव करूची ना ग्रो करूची कोनोसी गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन नथाय ग्रो करिवार मन इच्छा जे कोनोसी जगह को भी से स्प्रेड हे परिबो सेमिती जो ऑर्गेनिजम्स मानकर कोनो स्पेसिफिक बॉडी फॉर्मेट नथाय ओ से माने मन इच्छा स्प्रेड हे परिबे या फिर ग्रो करि परिबे दे आर नोन एज द असिमेट्रिकल बॉडी. एंड ऑर्गेनिजम्स मानको जनरली हमें पोरीफेरा भितरे ग्रुप कर दे परिबे बिकॉज़ पोरीफेरा मानकर कोनो स्पेसिफिक सिमेट्री एठी नथाय. एठ आ गोटे जिनस भी मन रखु कि एकाइनोडर्माटा जो एग्जांपल करा जाए एकाइनोडर्माटा रो एक्चुअली एमाने बोथ काइंड ऑफ सिमेट्री शो करती एक तो मानकर गोटे लार्वल स्टेजेस अच्छी गोटे है एडल्ट स्टेज अच्छी. एडल्ट स्टेज रे दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. ओके लार्वल स्टेज रे देखा दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ओके सो लार्वल स्टेजेस रे बायलैटरल एंड एडल्ट स्टेज रे रेडियल. देन आम नेक्स्ट जी जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन. जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन माने कौन जिते बड़े ऑर्गेनिज्म तार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करे से बड़े जर्म लेयर रो डेवलपमेंट होता है. किसी ऑर्गेनिज्म मानक आम डिप्लोब्लास्टिक बोली कही था बिकज से पाखे दुटा लेयर थाए आ किसी ऑर्गेनिज्म मानक आम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोली कही था बिकज से पाखे तीन टा लेयर थाए. डिप्लोब्लास्टिक रे को माने आसी जिबे सिलेंटेरेट्स माने आसी जिबे डिप्लोब्लास्टिक भीतर. ओके कौन पाई बिकज एम पाखे एक्टोडर्म रहा बाहर गोटे लेयर एंडोडर्म रहा भीतर लेयर इन बिटवीन देर इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. ए भितर जो आप देखुंत देर इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. ए जेली लाइक स्ट्रक्चर को मेजोडर्म बोली कही पारा ना कौन पाई बिकज ए जगह कौन से प्रकार सेलुलर आरेंजमेंट ना. सो हियर देर इज अ मेजोग्लिया इज देयर या मेजोग्लिया बोली कही था. जदि सिलेंटेरेट पर जो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स मैंने अच्छा से देखिए ताहले कौन कहीदेपर ट्रिप्लो ब्लास्टिक बोली कहीदेपर कहीं बिकज ए जगह एक्टोडर्म अच्छी आउटर लेयर एंडोडर्म अच्छी मतलब इनर लेयर एंड इन बिटवीन देर इज अनदर लेयर इज देयर जहाँ को मेजर डर्म बोली कहू जो गोटे स्पेसिफिक सेलुलर आरेंजमेंट देखा मिले. ओके नेक्स्ट जीवा सिलम पाखक. सिलम कहले साधारण बॉडी कैविटी की बुझे था किंतु से बॉडी कैविटी रो सेल्स माने मस्ट बी मेजोडर्मल होता दरकार. जदि कौन प्रकार मेजोडर्मल सेल्स माने से कैविटी को लाइंड अप करके रखिंट तेज जाकि बॉडी कैविटी बोली कह कि सिलम बोली कह जदि एक्टोडर्मल कि एंडोडर्मल लाइनिंग अच्छी से जगह सिलम बोली कहना तो किसी ऑर्गेनिज्म एमती अच्छा जो मान केस कौन प्रकार सेलुलर लाइनिंग देखा मिले ना दैट मीन कह मान है कौन प्रकार बॉडी कैविटी देखा मिले ना से आम जनरली कौन कही था आसिलोमेट्स बोली कही था. एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म्स जो मैंने कि आसिलोमेट्स शो करते दे आर नोन एज द प्लाटी हेलमिंथेस. सेकेंड आसीगले स्यूडो सिलोमेट. स्यूडो मान कौन फॉल्स बॉडी कैविटी. वर्तमान आप देखते यहाँ रहा एक्टोडर्म करेक्ट मझीटा रहीगला एंडोडर्म करेक्ट. वर्तमान इन बिटवीन मेजर डर्म जो लेयर अच्छे भितर आप देखते किसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये जगह मिलूँ ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर मैंने कौन कर मेजर डर्म सेल रे लाइंड अप होकर रही किंतु याकु हमें ट्रूली गोटे सिलम कहीदे पारिबा नाही किंतु कारण सिलम कहले गोटे स्पेसिफिक मतलब स्पेस को बुझौछि ना गोटे बॉडी कैविटी को बुझौछि याकु हमें कैविटी कहि पारिबा नाही तो एमाने कोन करछन छोटो छोटो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हे कि थ्रू आउट द मेजोडर्म एमाने डिस्ट्रीब्यूट हे कि रहिछन्ति. तो सेति में हमें को सिलम तो कहि पारिबानी किंतु हमें एटा भी कहिदे पारिबानी कि कंप्लीटली सिलोमिक स्ट्रक्चर एब्सेंट अछि बिकज किछिटा तो स्ट्रक्चर जोटा कि अवेलेबल अछि नॉट नेसेसरीली कि सेटा पूरा बॉडी कैविटी को रिप्रेजेंट करछि बट किछिटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर इठी अवेलेबल अछि ताकु हमें कौन कहिबा स्यूडो सिलोमेट्स बोली कहिबा. एंड जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स माने जो माने कि स्यूडो सिलोमेट्र स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती दे आर जनरली नोन एज निमाट हेलमिंथेस किंबा आकु हमें आस्क हेलमिंथेस बोली मध्य कहि दे परबा. ओके एंड देन द थर्ड वेरी सिलोमेट जेतिकि सब हमर एनिलिडा टू आरंभ करी मामल्स पर्यंत जिते सब ऑर्गेनिजम्स माने अच्छा दे ऑल आर कमिंग अंडर द सिलोमेट्स. व्हाई बिकज समस्त बॉडी रे मेजर डर्मल लेयर पाखे गोटे ओपन कैविटी रही जी कि मेजर डर्म लाइन
माने मेजोडर्मल सेल थ्रू रे लाइंड अप होइकी रही छि सो होल दैट कैविटी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सिलम स्ट्रक्चर किछि पिला को मे बी एठी टिके डाउट हे पारे कि एक्जेक्टली सिलम टा केमती देखा जाउ छि तो एठी आपण देखंतु ट्यूबिन ट्यूब वाला गोटे स्ट्रक्चर रही छि जहा को कि बुझिबा पें जदि आपण आर्थवर्म रा स्ट्रक्चर देखिबे आर्थवर्म रा गोटे बॉडी रा जदि कैविटी आमे देखिबा त दिस वन इज द आर्थवर्म बॉडी ओके एटा तार आउटर लेयर रहिला ओके सो दिस वन इज द आर्थवर्म बॉडी त भीतर देखिबे आ गोटे ट्यूब रही छि ए टाइप रो जोटा कि तार डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करू छी ओके सो दिस वन इज द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड दिस वन इज द आउटर लेयर एक्टोडर्मल लेयर जो मझी रे जो ओपन स्पेस आपन मुख मान को मिलू छी सो दिस पर्टिकुलर ओपन स्पेस इज एक्चुअली नोन एज द सिलम ओके जो थरे कि बॉडी रो बाकी किछि ऑर्गन्स माने पार्ट्स माने अवेलेबल थांती तो ए सेम टाइप रो ट्यूब इन ट्यूब वाला अरेंजमेंट आम पाखरे भी अछि समस्त के पाखे जेंते हमर डाइजेस्टिव ट्यूब अछि गोटे एंडोडर्म ट्यूब रिप्रेजेंट करू छी आ हमर स्किन हमर बॉडी रो आउटर कवरिंग जोटा गोटे एक्टोडर्मल रिप्रेजेंट करू छी एंड इन बिटवीन हमर बाकी ऑर्गन्स माने अवेलेबल अछि जो माने कि डिफरेंट डिफरेंट जगह को कवर अप करके रही छथि तो सेही हिसाब रे आमे भी सिलम अंडर रे ही जाउ छी ओके देन आमे नेक्स्ट जीवा सेगमेंटेशन पाखु को सेगमेंटेशन कहले आमे कोन बुझिबा बॉडी रो डिवीजन हेतिबा दरकार एंड सी बॉडी रो डिवीजन्स मानबु अदरवाइज मेटामियर्स बेली भी कहा जाए एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट फीचर आपण मन रखंतु याकु मेटामियर्स बेली भी कहा जाए जनरली सेगमेंटेशन आमको देखा जाए दी प्रकार रो ऑर्गेनिज्म मानक केस रे एक तो रहिला एनिलिडा एंड सेकंड ग्रुप रहिला आर्थ्रोपोडा जो मानक केस रे बड़ प्रोमिनेंटली आमको सेगमेंटेशन देखिबा को मिलिबो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहीं की कहा जाउची बिकॉज किछटा किछटा सेगमेंटेड बॉडी पार्ट रे हमको रिपीटेशन देखा जीवो कहार ऑर्गन्स मानकर रिपीटेशन तो जदि ऑर्गन्स मानकर रिपीटेशन हेची से सेगमेंट्स रे तो ताको हम मेटामियर्स बेली कहिथो जनरली एनिलिडा मानक केस रे ऑर्गन्स मानकर रिपीटेशन हमको बेसी प्रोमिनेंटली देखबा को मिले तो सेतमाको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेली मध्य कहा जाय किंतु एठी आपण एटा भी मन रखंतु कि केवल इनवर्टिब्रेट्स नुह किछटा वर्टिब्रेट्स एंती भी अछि जे मानको केस रे आपनको ऑर्गन्स रो रिपीटेशन देखबा को मिलबो बहुत कॉमन एग्जांपल आमे एठी नै परिबा वर्टिब्रल कॉलम आमा समस्तिंग पाखरे वर्टिब्रल कॉलम रही छि आपण जानि छथि सो दिस सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो कॉइन अप सेही रही छि स्ट्रक्चर उडाको तो एटा मध्य गोटे प्रकार रो सेगमेंटेशन फॉर्मेट को ही रिप्रेजेंट करू छि जोतिरे कि पूरा हमर मेरुदंड रो पूरा जो अछि हमर पार्ट so that whole thing is actually has been segmented many times and sethi mathe amku repetition hi dekhibaku miluchi to segmentation in vertebrates manako case re bi achi vertebrates manako case re mathe rahichi but eta vary karuchi ki ectodermal segmentation kothi aur mesodermal segmentation kothi sei hisab re organisms manko alga alga category re rakha jae but yes that segmentation part is present किंतु किछ जगह रे बॉडी रो सेगमेंटेशन एक्टोडर्मल मेजोडर्मल सेगमेंटेशन कोठी एंडोडर्मल सेगमेंटेशन हे छी कोठी इंटरनल सेगमेंट हे छी कोठी एक्सटर्नल सेगमेंट हे छी दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो किंतु सेगमेंटेशन रहि छी दैट इज इंपोर्टेंट एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन जनरली आपनकर एनिलिडा मानक केस रे बेसी प्रोमिनेंटली देखा जे बट यस किछटा आर्थ्रोपोडा माने भी अछंदी जो मानक केस रे सेगमेंटेशन देखा जे अवश्य समस्तियो केस रे देखा जाय नै बट यस देयर आर सर्टेन आर्थ्रोपोडास लास्ट आमे देखिबा नोटोकॉर्ड विषय रे नोटोकॉर्ड कहिले साधारण भाषा रे आपण एटा बुझंतु कि जे कोनसी गोटे ऑर्गेनिज्म रो बैक सपोर्ट जेंति आमा पाखरे मेरुदंड अछि जे कि हमकु बैक सपोर्ट प्रोवाइड करूची तो ताकु आमे नोटोकॉर्ड बेली कहि देई परबा किंतु एठी टिके डिफरेंट रहिबो कोन नोटोकॉर्ड केवल गोटे सिंगल सॉलिड ट्यूब स्ट्रक्चर को बुझौची सो दिस होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोटोकॉर्ड एंड जो स्ट्रक्चर बैक सपोर्ट पर क्या काम करू छी दैट स्ट्रक्चर मस्ट बी लाइंड विथ मेसोडर्मल सेल जदि से मेसोडर्मल सेल रे तयारी हे छी तेबे जाय कि से स्ट्रक्चर को हमें नोटोकॉर्ड बेली कहिबा हमें मन इच्छा जे कोनसी स्ट्रक्चर को हमें नोटोकॉर्ड बेली कहि परिबा नाही एंड अनदर थिंग इज ए जो नोटोकॉर्ड आपण देखु चोंदी एटा को मानक केस रे देखा जे प्रोटो कोडाटा मानक केस रे देखा जाए इनवर्टिब्रेट्स मानक केस रे नोटोकॉर्ड कंप्लीटली एब्सेंट थाए प्रोटोकोडाटा मानक केस रे नोटोकॉर्ड अवेलेबल थाए को प्रोटोकोडाटा स्पेसिफिकली जदि मैं एठी मेंशन करबी तो नंबर 1 इज योर यूरोकोडाटा एंड देन द सेकंड 1 इज सेफालोकोडाटा ओके एंड वर्तमान साइट रे आउ गोटे स्ट्रक्चर रही छि जहा को हमें कोन कहिथौ वर्टिब्रल कॉलम कहिथौ तो वर्तमान क्वेश्चन आसला त नोटोकॉर्ड आ वर्टिकल वर्टिब्रल कॉलम भीतर डिफरेंस कोन नोटोकॉर्ड हमर अर्ली कॉर्डेट्स मानक केस रे देखा जांदी एंड नोटोकॉर्ड जो वर्टिब्रेट्स मानकर एम्ब्रियोनिक कंडीशन रे मध्य थांदी ओके पर
नटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड दिस नटोकॉर्ड इज एक्चुअली कार्टिलेजिनस बाय नेचर एटा भी मन रखंतु बट दिस वर्टिब्रल कॉलम इज एक्चुअली बोनी बाय नेचर तो एमन कार्टिलेज मानकर ऑसिफिकेशन हुए जो थरे की बोन सेल्स माने आसी जांती कार्टिलेज सेल्स माने सेठु बाहर जांती एंड तांको बोन सेल्स माने रिप्लेस कर दियंती तो आम मानक केस रे इवन माने पीसेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एप्स मामल समस्त को केस रे नटोकॉर्ड थाए बट अर्ली स्टेजेस रे माने जेस्टेशन पीरियड जते बेले थाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन रे सेते बेले किछिटा पर्टिकुलर अर्ली टाइम पीरियड पे नटोकॉर्ड थाए देन इमीडिएटली दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द बोन सेल्स बिकॉज ऑफ द ऑसिफिकेशन एंड आमको वर्टिब्रल कॉलम ही बेसी प्रोमिनेंटली देखा जाउची किंतु ता अर्थ यानु कि आम मानक केस रे नटोकॉर्ड न थाए आम मानक केस रे नटोकॉर्ड ता थ्रू आउट लाइफ न थाए एटा आमे कहि दे परबा कि थ्रू आउट लाइफ न थाए बट आमर डेवलपमेंट अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस रे किछटा स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे नटोकॉर्ड आम पाखरे थाए बट जो मानक केस रे थ्रू आउट द लाइफ रो है सेटा हला सेफलोकॉर्डटा सेफलोकॉर्डटा कु एंती किछ ऑर्गेनिज्म जो माने कि माछ मानकर पूर्व ग्रुप रो ऑर्गेनिजम्स मानकर रिप्रेजेंट करचोंदी पीसेस क्लास पीसेस रो पूर्व ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मानकर रिप्रेजेंट करचोंदी सेफलोकॉर्डटा सो दिस ऑर्गेनिज्म हैव नटोकॉर्ड लाइक थ्रू आउट देयर लाइफ होल लाइफ एंड यूरोकॉर्डटा मानक केस रे एटा टिके आपनको डिफिकल्ट इंटरेस्टिंग फीचर एठी मिलिबो कि यूरोकॉर्डटा मानक केस रे लार्वा केस रे नटोकॉर्ड थाए बट एडल्ट केस रे नटोकॉर्ड नथाए सो दिस होल थिंग इज एक्चुअली नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे परिबो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहिले आमे कोन बुझिथौ यूरोकॉर्डटा मानकर लार्वल केस रे नटोकॉर्ड थाए बट एडल्ट हला टाइम रे मेटामॉर्फोसिस टाइम रे से नटोकॉर्डटा डिजेनरेट हे जाय जेहेतु मेटामॉर्फोसिस कहिले साधारणत आमे गोटे अपग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर को बुझिथौ किंतु यूरोकॉर्डेट मानक केस रे अपग्रेडेशन तो होनी बट डिजेनरेशन हे जाउची एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स मानकर सेति पई एई प्रकारर मेटामॉर्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बेली कहा जाय सो आई होप कि आपण मानकु भल भाबरे ए सबु जिंसर क्लैरिटी आसीथिबो अन ताकु आपण माने भल भाबरे बुझीथिबे जदि आकु नै कि कोनोसी प्रकारर क्वेश्चंस रहिछि कोनोसी प्रकारर डाउट्स रहिछि देन आपण कमेंट सेक्शन रे मते पचार देई परिबे मु चेष्टा करबी मो सिंपल भाषा रे तार किछटा आन्सर्स देबा पई एंड होपफुली ए वीडियो टी आपण मानकु हेल्पफुल रहिबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय